अच्छे अच्छे खाने की वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, आज हम बनाने वाले हैं पिज़्ज़ा। और पिज़्ज़े के लिए जो चीज़ें चाहिए होती हैं, ये देखें मैंने डो रेडी कर ली है। देखें कितनी अच्छी राइस हो गई भी है। ये मैंने सुबह बना ली थी और फिर मैंने इसको धूप में रख दिया था और ये इतनी अच्छी राइस हो गई है। इसके अलावा जो है इसमें जो चीज़ें मैं लगाने वाली हूँ, बहुत ही स्पेशल अच्छा वाला पिज़्ज़ा मैं बनाने वाली हूँ सही टॉपिंग के साथ, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है टॉपिंग के साथ। ये मैं इसमें शिमला मिर्च लगाऊंगी, मुझे टमाटर बहुत पसंद है, मुझे प्याज बहुत पसंद है। शिमला मिर्च को मैंने ऐसे लंबा लंबा काट लिया था, टमाटर भी मैंने यूँ लंबे लंबे काट लिए थे। ये जो प्याज है ये मेरी बहन ने काटे हैं भाई। इसके अलावा चीज़ है उसके भी मैंने स्लाइस बना लिए हैं। ये देखें फिंगर चिप्स नहीं जैसे होते हैं वैसे मैंने बना लिए हैं। और साथ में आपको बताऊँ, ये मैंने पिज़्ज़ा सॉस है ये मैंने घर में बनाई थी और ये इतनी अच्छी बनी है माशाल्लाह से। ऑब्वियसली खाने में भी बहुत अच्छी होगी, मैंने इसको टेस्ट भी किया है, बहुत अच्छी है। ये है चिकन, चिकन को मैंने जो है इसमें मैंने बड़े डिफरेंट तरीके से बनाया था। मैंने क्रीम वगैरह डाल के और मिल्क डाल के मैंने इसको बनाया था और अच्छी तरह से फ्राई करके रख लिया था। इसकी भी हम टॉपिंग करेंगे। साथ ही कुछ ऑलिव्स हैं और मशरूम्स हैं, ऑलिव्स और मशरूम भी मैं इसके ऊपर लगाने वाली हूँ। और अभी मैं आपको जो है बताती हूँ, पैन मैंने ले लिया है, पैन को मैं ग्रीस कर लूँगी ऑयल से अच्छी तरह से और फिर डो जो है मैं बना के तो उसके अंदर लगा दूँगी। हम इसको अच्छी तरह से पहले ग्रीस कर लेते हैं ताकि जो है ना पिज़्ज़ा नीचे से थोड़ा मज़े का बन जाए। तो आप इसमें ऑलिव ऑयल भी लगा सकते हैं, सादा कोई घी भी लगा सकते हैं। मेरे पास जो है वो मेल्टेड बटर था, वो मैंने इसके अंदर लगा दिए। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा डस्ट कर लिया और ये मैंने एक पेड़ा ले लिया। अब जो है मैं जनाब इसको हम अच्छी तरह से मतलब बनाऊंगी, एक मीडियम साइज का पिज़्ज़ा बनेगा इससे। मैंने ये ले लिया इसको और ये देखें और इतना अच्छा ये है। मैंने सुबह इसको नीम गर्म पानी से गूंथ दिया था। इंशाल्लाह मैं आपके साथ जो है इसकी रेसिपी भी नेक्स्ट फर्दर जो हमारी आने वाली एक वीडियो होगी उसमें शेयर करूंगी। अब मैदा थोड़ा सा डस्ट कर लेंगे ताकि ये हमारा जो है इसके साथ चिमटे ना। मैं इसको अच्छी तरह से बेल लूँगी और देन हम जो है इसकी टॉपिंग स्टार्ट करेंगे। ये देखें जी माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा हो गया ये वाला। अब उठा के इसको मैं यूँ इसके अंदर रख दूंगी। सेट करना होता है इसको आपने, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये थोड़ी सी बड़ी हो गई थी पर कोई बात नहीं, हम इसको सेट कर लेंगे, हमें तरीके तो बहुत आते हैं। फिर थोड़ी सी बड़ी हो गई थी, पैन मेरा छोटा है एक्चुअली, लेकिन मीडियम साइज़ का पिज़्ज़ा बन जाता है इसमें बहुत ही अच्छा। मैं इसकी ये किनारे जो है ये बना दूंगी अच्छी तरह से। फिर फॉक है मेरे पास और उसके साथ मैं इसके अंदर सुराख कर दूंगी ताकि जितनी एयर है वो भी निकल जाए। देखें ज़रा मैंने इसको कर दिया, ये बहुत ही अच्छी हो गई है। आप जो फोक लेके इसके अंदर हम यूं करेंगे, ये आपने ये सारा कर लेना है। अच्छा जी देखें मैंने इसके अंदर फोक से अच्छी तरह से फोक को करके ताकि इसकी एयर निकल जाए और ये अंदर तक जो है ना वो पक जाए। अब जो मैंने सॉस तैयार की थी वो इसके अंदर मैं लगा दूंगी। आप के पास इतना आसान है, आप जो घर में चीज़ें अवेलेबल हैं उनसे बना सकते हैं। सिंपल एक मैदा लेना है आपने, टमाटर तो ऑलरेडी सबके घरों में मौजूद होते हैं। मेरी फ्रेंड्स एक्चुअली आई हुई हैं एंड हम जो है पिज़्ज़ा पार्टी करने वाले हैं तो सब कह रहे थे कि असमा भी टॉपिंग जो है इसकी बहुत अच्छी करना, तो मुझे खुद भी बहुत पसंद है और मैं अच्छी खासी जो है ना ये भी मैंने सॉस भी लगाई है ताकि ज़रा टेस्ट अच्छा आ जाए। देखिए मैंने इसको अच्छी तरह से, आप हाथ भी यूज़ कर सकते हैं, चमचों से इतना अच्छा काम नहीं करता, मैंने हाथ मेरे तुले हुए भाई। अच्छी तरह से मैंने इसको कर लिया। आप जो है मैं इसके ऊपर देखें बड़ी अच्छी तरह से ना अरेंज तरीके से ये टमाटोज जो है वो लगा दूंगी, देन शिमला मिर्चें लगा दूंगी, प्याज लगा दूंगी, चिकन जो मेरे पास अवेलेबल है मैं वो इसके ऊपर लगा दूंगी, ऑलिव्स और मशरूम्स मैंने आपको दिखाए थे वो मैं इसके ऊपर लगा दूंगी, ठीक है। और मैं इसको आप टॉपिंग करके कंप्लीट करके फिर देन आई विल शो यू। और फिर हमने देगचा जो है ये पैन पिज़्ज़ा है, मैंने देगचा प्री हीट होने के लिए रखा हुआ है और आप देखेंगे कि ये बिल्कुल ऐसे बनेगा जैसे ओवन में बनता है। अच्छा देखें भाई मैंने पहले मैंने जो वेजिटेबल्स थी उसकी टॉपिंग की थी, मैंने चिकन जो है बड़ा अच्छा बनाया हुआ था, बहुत ही मज़े का बनाया था, वो भी मैंने कर लिया। मेरे पास कुछ ऑलिव्स थे वो भी जो है मैं लगाती हूँ, लेकिन इसके बाद मैं मेरा दिल है कि आप कुछ चीज़ इसके ऊपर रखें और उसके बाद जो है करें, मेरा दिल है यहाँ पर भी लगा दें ताकि ये सही से भर जाए सही। मुझे जो ये शिमला मिर्च होती है मुझे बहुत पसंद है, मैं तो कच्ची भी खा जाती हूँ, और अनियन भी मुझे बहुत पसंद है। मैं अपनी बहन से अक्सर कहती हूँ भाई मरियम
मुझे बना के दो, प्याज काट के दो और ऊपर नींबू का रस डाल के लो। हर खाने के साथ मेरा दिल होता है कि ये मेरे पास मौजूद होना चाहिए। और शिमला मिर्च आई जस्ट लव। मैंने ऑलिव्स थे वो मैंने इधर रख दिए थे। आप अपनी मर्जी से टॉपिंग कर सकते हैं, आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं इसमें, लाइक व्हाट यू लाइक, जो आपको पसंद है। चीज़ थी, अब मेरा दिल है चीज़ रखते हैं, चीज़ की टॉपिंग करते हैं फटाफट से। और आपको जितनी चीज़ पसंद है यू कैन ऐड जो भी आपको लाइक है। मुझे चीज़ भी ज़्यादा पसंद है, मुझे वेजिटेबल, मुझे हर चीज़ ही ज़्यादा पसंद है, लेकिन मैं ज़्यादा खाती नहीं हूँ। हर चीज़ बहुत पसंद है, खाती बहुत कम हूँ। तो ये देखिएगा मेल्ट होके तो फिर ये सारी जो है इसके ऊपर आ जाएगी इंशाल्लाह। बहुत अच्छा बनने वाला हमारा पिज़्ज़ा, बहुत मज़ेदार बनने वाला हमारा पिज़्ज़ा। आप इसके ऊपर एंड पे ना, जब आपके ये हो जाता है तो आप ऑलिव ऑयल जो है या जो भी ऑयल घर में मौजूद है, ज़रूरी नहीं ऑलिव ऑयल, हर बंदा तो अफोर्ड नहीं कर सकता, इतना महंगा मिलता है, तो आप उसके ऊपर ना हल्का सा मतलब उसके ऊपर डाल सकते हैं। ये देखिए मैंने मशरूम्स थे मेरे पास, ये ऑलिव्स थे मेरे पास, इसकी हम टॉपिंग करके अब हम इसको बेक करने के लिए, मैंने देखा अपना 10 से 15 मिनट के लिए ना प्री हीट होने के लिए पहले रख दिया हुआ था। हाँ जी देखें मेरा देखचा जो है प्री हीट हो गया है, बड़ा अच्छा हो गया है। मैंने इसके अंदर स्टैंड रखा हुआ है और मुझे रखते हुए इतना डर लग रहा है कि मेरा हाथ ही ना जल जाए, लेकिन कोई बात नहीं। मैं इसको शिट डो जो है वो ख़राब हो गया मेरी, मैं इसको क्या, हाँ मैं इसको अब इसके अंदर यूँ करके, हाँ जी ये मैंने देखें अपना जो है पिज़्ज़ा, मेरा पैन जो है वो इसके अंदर चला गया, देखचे के अंदर भाई चला ही गया, बड़ी मुश्किल से गया है क्योंकि देखचा बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका था, मुझे डर लग रहा था मेरा हाथ ना जल जाए। अब हम इसको 20 से 25 मिनट के लिए रखते हैं, देन आई विल टेल यू कैसा बना ये। दोबारा से आपको जो है वापस देख बताते हैं, देखें कितना अच्छा पिज़्ज़ा बन गया ये। अब इसको मैं निकालूंगी इसके साथ मैं इसको पकड़ के जो अपना पैन है बाहर निकालूंगी और फिर हम इसको खाएंगे। देखें जी कितना अच्छा बन गया ये पिज़्ज़ा, बहुत मज़ेदार, इसकी डो बिल्कुल नीचे से पक चुकी है और अब हम इसको करने वाले हैं सर्व। पिज़्ज़ा हो गया तैयार और हम आ गए अपने बेडरूम में, यहाँ पे हम करने वाले हैं सही मौज मस्ती। और ये हमारा पिज़्ज़ा है, मैं ज़रा आपको थोड़ा सा बाइट करके बताती हूँ, मैंने बहुत बड़ा ही ये काट दिया इसका पीस, बाइट करके बताती हूँ कैसा बना। माशाल्लाह माशाल्लाह से मैंने ऐसा पिज़्ज़ा कहीं नहीं खाया, इतना यमी इतना टेस्टी बना है। सो आप इसे बनाएं, खाएं, एंजॉय करें, मेरे वीडियो जो है चैनल उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।